जैसे मतलब बैक टू विलेज वाले आ रहे हैं, पहले भी आए तो मतलब उसका फ़ायदा मैं कुछ नहीं उठाया मिला जी। फिर दूसरे फेज़ में आए उसमें भी कुछ नहीं फिलहाल है, अभी तीसरा चल रहा है, अभी क्या पता अभी क्या इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो लोग आपके जो वार्ड के लोग हैं वो खुश हैं ये बैक टू विलेज फिलहाल मेरे कामों से? तो फिलहाल वो खुशी बैक टू विलेज के कामों से, बैक टू विलेज से तो नाराज़ हैं सब, नाराज़ हैं। मेरा नाम हबीबुल्ला है, मैं मलवाना पंचायत का सरपंच हूँ जी। आप मुझे ये बताएं कि जो बैक टू विलेज वन और बैक टू विलेज टू हुआ था जी, और जो ये तीसरा है, तो जो दो में पहले जो काम कितना हुआ और कितना करने के लिए? वो कहते हैं ना, शायर ने बोला है कि न कर शिकवा मुकद्दर पे, मुकद्दर आजमाता जा, न देख मंजिल की दूरी को, कदम आगे बढ़ाता जा। जैसे कि हमें जब पहला बैक टू विलेज हुआ था उस टाइम कम से कम 1 करोड़ की हमने जो लाइबिलिटी दी थी, डिमांड दी थी, 1 करोड़ में से हमारा टोटल 1,90,000 रुपया आया, क्या 1,90,000 रुपया। अब फेस सेकंड जब चला उस टाइम पे हमने कम से कम 1.25 करोड़ की डिमांड दी, जो हमारे स्कूल थे, स्कूलों के लिए बिल्डिंगें थी अपग्रेड करने के लिए, स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए दी थी, आंगनवाड़ी सेंटर नए डिमांड थी, हमारे हेल्थ के सेंटर कुछ डिमांड थी, लिहाजा वो तो हमने, वो हमें ख्वाबी नज़र आए, बाकी तो आया कुछ नहीं। अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि कदम आगे बढ़ाता जा, कदम हमारी उम्मीद यही है कि आगे के लिए मत कुछ कुछ न कुछ हमें फ़ायदा मिले और हमारी पंचायत में कुछ न कुछ फ़ायदा मिले। देखो जब सेकंड फेज पहला फेज था उसमें बढ़ चढ़ कर लोग आए थे और दूसरे में भी तकरीबन 70% लोग आए थे, तो अभी हमारा फेस आज ही चल रहा है, तीसरा फेस आज ही शुरू हो रहा है, अब कल तक हमें पता लगेगा कि लोग कितना कॉपरेशन करते हैं इस सेकंड थर्ड फेस में, वो हम आज कुछ नहीं कह सकते हैं, वो कल हम कह सकते हैं कि कितने लोग हमारे साथ शिरकत करेंगे। हाँ, मैं मुजफ्फर महराज मिंटो, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़, विजिटिंग ऑफिसर पंचायत मलवाना ईस्ट जी। बैक टू विलेज थे, एक सीरीज़ में प्रोग्राम चल रहा है, बैक टू विलेज वन, बैक टू विलेज टू और बैक टू विलेज थ्री। तो इस वक्त बैक टू विलेज थ्री जो है आज से थर्ड फेज का जो है यहाँ पे मलवाना में शुरू हो रहा है। तो अभी हमने फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो थी PRI से या लोकल जो यहाँ के प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ से अभी गैदर की है। इसके बाद आस्ता आस्ता जिस तरह से हमारी गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप जो है हम आगे बढ़ेंगे, इंशाल्लाह 2 दिन के बाद इसको अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे। जो बैक टू विलेज फर्स्ट था, सेकंड था, उसकी जो प्रोग्रेस है, उसकी प्रोग्रेस आपको क्या? हाँ, बैक टू विलेज वन का जो है कुछ काम जो है बैक टू विलेज वन में कोई काम टेकअप किया गया था, जैसे हेड था किसी कूल का, बरछला कूल था, बनछला कूल का हेड, और उसकी उसका जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एट प्रेजेंट। बैक टू विलेज टू में जो काम लिए गए थे, जैसे उसमें आपका कुछ रिप्लेसमेंट है वुडन पोल्स की विद आयरन पोल्स, और उसके अलावा मलवाना कूल का रिपेयरमेंट है, ये भी सेंक्शन हो चुका है और इंशाल्लाह इसका भी हम यहाँ पे आज वो फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे हैं। सर, जैसे कि सरपंच साहब ने ब्लॉक दिवस में पूछा था कि आंगनवाड़ी का जो इस साल का जो जो भी उसका सिस्टम मटेरियल वो इस बार नहीं मिला, हाँ, और पीछे देखने हाँ, इसमें एक बार जो पीछे जो देखने को मिला था कि एक साल का 2019 का कुछ आंगनवाड़ी सेंटर्स ने वो राशन दिया ही नहीं था लोगों को, उसकी भी वीडियो ये इस वक्त अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहुँचा हूँ, अभी मैं इसका पूरा सिचुएशन का देख लूँगा क्या है मसला। इस साल का मैं जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, या आप लोग भी खुद बखूबी जानते हैं कि इस साल COVID-19 की वजह से हर चीज़ डिले हुई है, तो मैं भी इस साल जो डिले हुआ है बिकॉज ऑफ COVID-19 काफ़ी देर लॉकडाउन रहा, अब आस्ता आस्ता खुल रहा है, इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर अंदर ये सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जहां तक बाकी जो आप पेशे का इशू कर रहे हैं, डाइट का, किस क्वालिटी वगैरह, वो मैं यहाँ पर इस वक्त पहुँचा हूँ, अभी आंगनवाड़ी सेंटर्स में हम जाएँगे, वहाँ पे जाके हम देखेंगे क्या पोजीशन है। और सर, जो ब्लॉक वगैरह में काम होते हैं तो उसमें कमीशन क्यों मांगे जाते हैं? मेरी नॉलेज में तो इस वक्त तक मुझे नहीं लगता है कि अभी तक किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया है, लेकिन हाँ 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 यस यस मेरे पास प्रूफ है, यस यस, अगर अगर ऐसा कोई इशू है तो वो हाईलाइट करेंगे, जो भी लोग यहाँ ग्रीवेंसेस दिखाएंगे तो
तो उसको हम आगे तक लेके जाएंगे।